शामली में ग्राम प्रधान की दबंगता के चलते ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण लखनऊ से लेकर अपनी क्षेत्रीय तहसील तक कर चुके हैं। मगर ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लेते। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। जनपद शामली के ऊन तहसील के ग्राम और समा में ग्रामीणों ने मौजूदा ग्राम प्रधान पर लगाए सरकारी भूमि दबाने के आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने 700 बीघे जमीन सरकारी जो भूमि है उसको दबा रखी है और वहीं एक 19 बीघे का तालाब भी दबा रखा है। इस चीज़ की शिकायत ग्रामीणों ने लखनऊ से लेकर और तहसील स्तर तक के हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अधिकारी को कर चुकी है, मगर अधिकारियों ने आज तक मामला संज्ञान में नहीं लिया। आइए करते हैं ग्रामीणों से बात। जी कहाँ के रहने वाले हो? समा गाँव जी। अपनी सरकारी भूमि का मामला है क्या? हाँ जी, मामला ये विनोद बुद्धन ने 700 बीघा जमीन दबा रखी जी प्रधान से मिलकर। ग्राम प्रधान रविंद्र का भाई नरेश। इसकी शिकायत करी जी SDM के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ, लखनऊ तक पहुँच के एक हफ्ता लखनऊ भी रखा है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी शिकायत करी, केशव मौर्या के यहाँ भी करी, मुख्यमंत्री के यहाँ अधिकारियों ने कहा जी जमीन खाली करवा। कोई सुनवाई नहीं हो रही, जमीन ठेके भी दे रखी है। 700 बीघा जमीन है, सब ठेके भी जा रही है। 7000 रुपये में ठेके भी दे रही, चला जा। हम ये चाहें जमीन खाली करवाइए, सरकार की जमीन है, सरकार को लाभ होगा इसका। क्या कुछ अपनी कोई खास पेशकश है कि सरकारी जमीन में कोई गौशाला या गौशाला का? जी हमने कुछ भी चीज ऐसी जिला अधिकारी को हमने शिकायत करी कि जिसमें वो मांग करी इसमें गौशाला बनवाइए। उन्होंने कहा है आप क्या गौशाला बनवा दी जा रही, लेकिन आज तक कोई सर्वे नहीं करमान और मऊ फरमान अली। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जनपद शामली के ऊन ब्लॉक के गांव होड़ समा में ग्रामीणों ने मौजूदा ग्राम प्रधान नरेश पर जमीन दामने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा प्रधान ने 700 बीघे जमीन सरकारी जमीन दबा रखी है और इसको अपने किसी मित्र के साथ मिलकर 7000 रुपये महीना ठेके पर दे रखी है। और ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने एक सरकारी जोड़ है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है उसको भी दबा रखा है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान अपनी दबंगता के चलते नई जमीन खाली करता और अगर इस पर कोई आवाज़ उठा दे तो ग्रामीणों को दबाया जाता है। आइए रूबरू होती है ग्रामीणों को। इसमें इतना बड़ा गोलमाल है कि लेके पटवारी से और लखनऊ तक सबके आगे हम इसकी शिकायत कर चुके, लेकिन संज्ञान आज तक नहीं लिया। चाहिए किसके संज्ञान में हो रहा है? ये प्रधान है, वर्तमान प्रधान नरेश कुमार। क्या उसके साथ में और भी कोई आदमी है? उसके साथ में उसका परिवार है, उसका बड़ा भाई है, रविंद्र कुमार। पूरी तालाब वाला का तालाब, ये तीनों भाई है, दबंग किस्म के आदमी, गाँव में किसी की सुनते नहीं। और जी पूरा तालाब ही दबा लिया, इनकी शिकायत हम तहसीलदार SDM DM ADM सबका कर चुके, लखनऊ भी कर चुके, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसे कि आप इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, कहाँ ये दबंगता के चलते आपको दबाने की कोशिश करते हैं? नहीं, कोशिश तो पूरी करें। तो फिर इसमें क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते भूमि है, इसमें क्या बनना चाहिए? इसमें सरकार संज्ञान लेती है, इसमें सरकार क्या मांगे? इसमें सरकार संज्ञान लेकर अपनी कोई भी संस्था बना सके, गौशाला बना दो। जेल के लिए हमारे ज़िले में जगह नहीं है, अभी सरकार मोल लेने लग रही है, सरकार की ज़मीन है, इसमें बना दो, सरकार का पैसा भी बचेगा। और तालाब मैं नरेश कुमार प्रधान, ग्राम खोड़समा। अच्छा प्रधान जी, आप तो ग्रामीणों ने एलिगेशन लगाया है कि सरकारी भूमि दाबने का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी भूमि एलिगेशन तो बार बार लगाते रहते, आज से 15 साल से लगा रहे हम, 15 साल से लगातार ग्राम प्रधान हैं यहाँ पे गाँव में। पहले हमारी माता जी थी, अब हम हैं, और ये सब झूठे एलिगेशन है। आज नहीं, पिछली कम से कम भी 20 दफा इसकी पैमाइश वगैरह हो चुकी। ये लगाते हैं कि प्रधान ने तालाब पे कब्जा कर लिया, PWD की भूमि दबा ली, सड़क के पास पास में पूरे प्रदेश में, ऑल इंडिया में जितने भी सड़क के पास में जगह है वो सब PWD की है। PWD को कोई रोक नहीं सकता, जब उसे मिट्टी खोदनी होती है मिट्टी खोद लेती है वो और सड़क के ऊपर डाल देते हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप है, हमारे पास किसी किस्म का कोई अवैध कब्जा नहीं है।
और ना कोई आज तक सिद्ध हो चुका है। क्या कोई जांच टीम गांव में आई और जांच करके गई और आई जी सफाई में क्या कहा? एक बार नहीं, कम से कम अभी एक महीने पहले की बात है, कम से कम 20 पटवारी थे और तहसीलदार साहिबा थी हमारी, उन्होंने पूरी बारीकी से जांच की। हमारे घर के आसपास कहीं भी तालाब नहीं निकला, कम से कम भी 20 मीटर दूर तालाब है जहाँ पे हमारा मकान है। ये आबादी तरह है, जमीन आबादी है, ये 441 नंबर है आबादी का। आबादी में सारे मकान बने हुए, हमारे घेर भी आबादी में है, घर भी आबादी में है, पूरा गांव इसी नंबर में है, पूरा गांव इसी नंबर में है जिसके ये दरखास्त लगाते हैं हमारे खिलाफ। और दूसरी बात रही इसकी रिपोर्ट की, मैडम तहसीलदार साहिबा ने रिपोर्ट DM साहब को भी भेज दी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेज दी, वो सब बिल्कुल फेयर रिपोर्ट है। एक की नहीं 20 पटवारी के उस पर सिग्नेचर है, SDM साहब के है, तहसीलदार साहिबा के है, वो बिल्कुल हमारे पक्ष में है रिपोर्ट। तो ग्रामीणों का एक आरोप हो रहा है कि अपने मित्र के साथ में 700 बीघे जमीन का कोई मामला है, उसमें क्या कहना चाहोगे आप? न तो हमारा कोई इस तरह का कोई मित्र है जो अवैध कब्जा करे हुए है, अवैध कब्जा के तो हम खिलाफ है। हमने अभी अभी 824 को बचाया, 824 करीब 600 बीघे का नंबर है, और जी दूसरा एक 278 नंबर क्या है, 778 बंजर वाला, उसके खिलाफ हम इलाहाबाद तक लड़ रहे हैं, जो अवैध कब्जा धारा के 780 नंबर है वो। हम तो हमेशा इस जमीन को बुद्धन की बात करते हैं, बुद्धन हमारा दोस्त, हमने जितना बड़ा विरोध बुद्धन का किया इतना बड़ा आज तक किसी ने नहीं किया। जलालुद्दीन था एक, जलालुद्दीन गांव में आके बहुत बड़ी भूमि पे कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों का देखो यही आरोप है कि कोई दिल्ली का मूल निवासी है और गांव की साठ गांठ के जो लोग जमीन पर मैं आता हूँ। हमारा मुख्य आरोपी आज के टाइम में रणधीर सिंह उप मकोड़ा है, उसी रणधीर सिंह ने उस विनोद की जमीन जो दिल्ली से बताते हैं वो जमीन कई चमरा वाले की है, जैसे जैसे उन्हें ट्रांसफर करा रखी, वो उसको ठेके पे बोलता था रणधीर सिंह, और उस जमींदार के इस पे करीब 5 लाख रुपए ठेका बकाया है। जब वो ठेका मांगता है तो ये उसके खिलाफ हो गए, उसमें हमें भी इन्वॉल्व कर लिया कि अब प्रधान जो है उससे पैसे ले रहा। अब तक कोई चीज़ इसको हम इसे साबित नहीं कर सकता कि प्रधान ने कोई पैसा किसी जमीन संबंधित लिया है, ये सब तो बेबुनियाद है। जब पैसा देना पड़ा ना जैसे रणधीर सिंह को ठेका का पैसा देना पड़ रहा जो ये अब भागा फिर रहा, इस वजह से उसके खिलाफ हुआ है, हकीकत तो ये है।